विदेश मंत्रालय माह ने बुधवार को यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को रूस के साथ तनाव को लेकर मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की। इसके अलावा यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र में भारतीयों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन भी स्थापित की है। अलग से कीव में भारतीय दूतावास ने कहा कि उसे यूक्रेन से भारत के लिए उड़ानों की अनुपलब्धता के बारे में कॉल आ रहे हैं और भारतीयों को घबराने की सलाह नहीं दी है, लेकिन घर जाने के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध और सुविधाजनक उड़ानें बुक करें। भारत के दूतावास को यूक्रेन से भारत के लिए उड़ानों की अनुपलब्धता के बारे में कई अपीलें मिल रही हैं। इस संबंध में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि भारत की यात्रा के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध और सुविधाजनक उड़ानें बुक करें। इसने कहा कि यूक्रेनी इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर अरबिया, फ्लाई दुबई और कतर एयरवेज वर्तमान में यूक्रेन से उड़ानें संचालित कर रही हैं। दूतावास ने कहा, अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए निकट भविष्य में और अधिक उड़ानों की योजना बनाई जा रही है, जिसमें यूक्रेनी इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर इंडिया आदि शामिल हैं। और अब विवरण साझा किया जाएगा। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। मंगलवार 15 फरवरी 2022 को रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतायब, जो भारत में थे, ने भारत के साथ गहरा सैन्य सहयोग मांगा। खाड़ी क्षेत्र के देशों के लिए भारत एक पसंदीदा भागीदार है, क्योंकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने के इच्छुक हैं और अपने रक्षा उद्योगों को विकसित करने की प्रक्रिया में भी हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के कमांडर ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम एम नरवणे के साथ बैठक की और दोनों ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच सहयोग के क्षेत्रों के बारे में गहराई से बात की, क्षेत्र में सुरक्षा पहलुओं के बारे में बात की। आधिकारिक बयान के मुद्दे में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई सामान्य हित हैं और इसमें आतंकवाद से लड़ना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना शामिल है। सऊदी अरब से किसी सेवारत अधिकारी द्वारा भारत की यह पहली ऐसी उच्च जो अब तक का पहला दौरा था। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। दुनिया एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। रूस ने बुधवार को क्रीमिया सैन्य अभ्यास को समाप्त करने की घोषणा की है, और यह कि उसकी सैनिक दक्षिणी सैन्य जिले की इकाइयों को छोड़कर सैनिक हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सामरिक अभ्यास में अपनी भागीदारी पूरी करने के बाद सैनिक अपने स्थायी तैनाती बिंदुओं पर वापस जा रहे हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU के प्रोफेसर राजन कुमार के अनुसार, प्रचार बयानबाजी और विरोधाभासी बयानों के बीच विश्वसनीय जानकारी को संसाधित करना एक वास्तविक चुनौती बन जाता है। पश्चिमी दृष्टिकोण से एक रूसी आक्रमण आसन्न है और मास्को केवल उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। यह यूक्रेन को अस्थिर करने और संभवतः डोनबास क्षेत्र को एकीकृत करने या अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने के लिए तैयार है। मास्को इस तरह के आरोपों को निराधार पश्चिमी प्रचार के रूप में नकारने में लगातार रहा है।